नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ हाइड्रोलिक सिस्टम एंड उसके कंपोनेंट से रिलेटेड लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक्स इज द स्टडी ऑफ, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें हम स्टडी करते हैं किस टाइप के फ्लूड की। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए, उसमें जो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें हम हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम जो स्टडी करते हैं कौन सा फ्लूड यूज करते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड्स का यूज करते हैं, तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स, जो हाइड्रोलिक्स डिफरेंट टाइप्स की मशीनें होती हैं उसमें से हमें बताना है कि जो स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स है वह किसका एग्जाम्पल है। तो हमारे यहाँ पर चार मशीनों के नाम दिए हैं। यहाँ पर जो लिखा मेटल फॉर्मिंग प्रेसेस, जो मेटल फॉर्मिंग प्रेसेस मशीन है वह किसका एग्जाम्पल है, स्टेशनरी हाइड्रोलिक का, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच सिस्टम पासेस द लोएस्ट वेट टू पावर रेशो, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि हमें इस जो इन चारों में से बताना कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो क्या करता है कि जो हमारा कैसा वेट कम होता है और उसका जो हमारा पावर का रेशो है वह भी कैसा रहता है, कम रहता है। ये किसके अंदर रहता है, हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर रहता है। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वी कैन ड्रॉ फ्लूड कंडीशनर्स इन द, क्वेश्चन पूछा है जो फ्लूड कंडीशनर ड्रॉ करते हैं हम किस शेप में, तो इसको करते हैं डायमंड शेप में, तो हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द हाइड्रोलिक सिस्टम इज, हाइड्रोलिक सिस्टम है इन चारों में से हम बताना है किस टाइप का होता है, तो ये होता है मोर प्रिसाइज देन अ न्यूमेटिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम से अधिक कैसा रहता है, प्रिसाइज रहता है, हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम जनरेट मोर एनर्जी व्हेन यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो अधिक एनर्जी जनरेट करता है, तो यह होता हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि न्यूमेटिक सिस्टम की तुलना में अधिक एनर्जी जनरेट करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर हम बताना क्या होता है इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद, तो जो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ उसमें लिखा है, द मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ऑयल, सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है ऑयल में, फिर देन कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, फिर वो उसमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, तो आप ए वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, वाई हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इन चारों स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है फिर बताना है कौन कौन सी गलत स्टेटमेंट है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। जैसे कि यहां पर देखेंगे थ्री और फोर, लोड कैन नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन द सिस्टम, एक गलत स्टेटमेंट, ऐसे ही द प्रेशर डेवलप डिक्रीज इफ लोड ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस, ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एट लो प्रेशर लिक्विड्स आर, लो प्रेशर पर लिक्विड कैसा होता है, तो ये होता है कैसा, इनकम्प्रेसिबल, कौन सा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाउ इज पावर ट्रांसमिटेड इन फ्लूड पावर सिस्टम, फ्लूड पावर सिस्टम में जो हमारी पावर ट्रांसमिट होती है कैसे होती है, इसमें होती पावर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेनियसली, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, प्रेशर ऑफ वन बार इज इक्वल टू, इन चारों ऑप्शन में हमें बताना कि वन बार इज इक्वल टू कितना होता, तो ये होता 14.5 पीसीआई, हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन के भी आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच फ्लूड इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम, जो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम है उसमें किस टाइप के फ्लूड का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है वाटर, ऑयल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, ये तीनों प्रकार के फ्लूड का यूज किया जाता है, तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ हैवी लिफ्टेड वर्क इज ऑफनली अकॉम्प्लिश्ड बाय शिफ्टिंग फ्लूड इन बिग मशीन, द पावर स्टेशन ऑफ सच मशीन कैन बी डिस्क्राइब एज, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हमें हैवी वेट को उठाना है तो जो मशीनों का उपयोग किया जाता है वह उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं, जब हम हैवी वेट को उठाने के लिए जिन मशीनों को यूज करते हैं उसमें जो सिस्टम उपयोग में आता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इसको कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट मेक्स हाइड्रोलिक सिस्टम पॉसिबल इज, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वह हाइड्रोलिक सिस्टम में किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। तो इसमें होता है पास्कल्स प्रिंसिपल का उपयोग किया जाता है, जो कौन सा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पावर सोर्स इन हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में पावर सोर्स क्या होता है। तो इसमें होता पंप, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा मैच द फॉलोइंग ग्रुप वन आइटम विथ ग्रुप टू, मतलब ये जो हमारे दिए 1 2 3 4 और ABCD, इन चारों को एक दूसरे से मिलाना है कि कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड करता है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें दिख रहा होगा वन जो है रेडियल मोटर है वह रिलेट करता है क्रैंक शाफ्ट मोटर से, जबकि टू वाला एक्सियल मोटर है वह करता है स्वास प्लेट से, जबकि यहाँ थ्री देखेंगे थ्री वाला ऑर्बिट रिलेट करता है जेरोलर मोटर से, जबकि हमारा फोर वाला रिलेट करता है जो सॉरी फोर वाला रिलेट करता है सी से, वैन मोटर से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैम लॉब हाइड्रोलिक मोटर इज अ टाइप ऑफ, जो कैम लॉब हाइड्रोलिक मोटर है वो किस टाइप के मोटर है। तो यह होता है रेडियल हाइड्रोलिक मोटर, कौन सी होती है रेडियल हाइड्रोलिक मोटर के टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सी लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर है। तो यह होती है गियर मोटर, जो हमारी कैसी होती है लो टॉर्क और हाई स्पीड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोटर यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं लो टॉर्क विथ हाई स्पीड मोटर, तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन की भी आंसर मैंने बता दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच मोटर कॉजेज हैवी लोड्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हैवी लोड के लिए कौन सी मोटर का एक रीजन बनती है। आगे लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स यूसेज इन ऑर्डर टू मूव एट कॉन्स्टेंट लोएस्ट स्पीड, मतलब लो स्पीड पर कॉन्स्टेंट अगर चलाया जाता है और हैवी लोड का कारण बनती है, तो किस कारण से बनती है। तो वह बनती है हाई टॉर्क एंड लो स्पीड मोटर्स के कारण से, हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर्स आर यूज इन, जो लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर्स है उसका यूज किया था किसमें, फैंस में यूज किया था, हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने अभी सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चन की, यहां समझाने के लिए आप थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा 30 40 50 60 तक क्वेश्चन लेकर आता हूँ एक वीडियो में, उसका पर्पज यही है कि आप पहले से थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप एक मतलब एक 10 से 12 मिनट की वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो कंटिन्यू लाता रहता हूँ। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये चैनल फायदेमंद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक मोटर, हाइड्रोलिक मोटर का क्या फंक्शन है। तो इन चारों में से पहले हमें पढ़ना है, फिर इनमें से आंसर देना। तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं हाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें लिखा हुआ है वन और थ्री। वन और थ्री का हम पढ़ के समझा देते, पहले वन में लिखा हुआ हाइड्रोलिक मोटर कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक ऑयल अंडर प्रेशर इंटू अ टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। इस तरह थर्ड में देख रहे हैं लिखा हुआ हाइड्रोलिक मोटर्स कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये वन और सी आप याद कर लें, जिससे कभी भी सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता तो आप उससे वाई भी बन सके। इसका आंसर मैंने बता दिया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द दीज पंप्स, इनमें बताना इन पंपों में से श्वास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के द्वारा जो श्वास प्लेट को रिप्लेस किया जाता है वह किस पंप के द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसमें एक इसको किया जाता है बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो हमारा कौन सा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट सत्य है, इन चारों को पढ़ना है फिर नीचे वाले में से हमें आंसर देना। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, वन और टू स्टेटमेंट सही है। पिस्टन पंप्स आर सेल्फ प्राइमिंग, पिस्टन पंप्स रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, तो हमारा वन और टू हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैन पंप एंड रेडियल पिस्टन पंप, इन दोनों में हमें डिफरेंस बताना है, इन चारों ऑप्शन को पढ़ना है।
वैसे इसका करेक्ट आंसर ए वाला है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ। लिखा हुआ है इन रेडियल पिस्टन पंप, किसकी बात कर, रेडियल पिस्टन पंप में रेडियल स्लॉट इन बैंड पंप्स, जो बैंड पंप है उसमें रेडियल स्लॉट्स आर रिप्लेस, जो रिप्लेस किए जा सकते हैं बाय रेडियल बोर्ड्स के द्वारा, बिच अकोमोडेटेड और पिस्टन, मतलब जो पिस्टन को हम समायोजित करते हैं। इस तरह ए वाला ऑप्शन इसको करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ पिस्टन इन पिस्टन पंप, पिस्टन पंप में पिस्टन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो यहाँ लिखा है एक्सियली और रेडियली, ये दोनों टाइप से होता है, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों ही ऊपर के राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन द एडजस्टेबल टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग, जो हमारी क्वेश्चनिंग है वह एडजस्टेबल टाइप रहती है, किस टाइप का। तो यहाँ पर रहता है द पिस्टन रॉड कैन बी मूव्ड एट वेरी लो स्पीड, द पिस्टन रॉड कैन बी मूव एट इंक्रीज स्पीड, मतलब दोनों टाइप से अरेंजमेंट होता है क्वेश्चनिंग का। तो हमारा कौन सा, बोथ ऑफ द गिवन, जो हमारे ऊपर के दोनों गिवन है राइट हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आज के लास्ट दो क्वेश्चन है, इनको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ हाइड हाउ डज क्वेश्चनिंग अफेक्टेड द स्पीड ऑफ द पिस्टन व्हेन द सिलेंडर इज क्वेश्चनिंग एट एक्सट्रीम एंड, जो एक्सट्रीम एंड है वहां पर जो क्वेश्चन की गति होती है उसको कैसे प्रभावित करती है। ये करती क्वेश्चनिंग डिक्रीज द स्पीड ऑफ द पिस्टन नियर द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के अंतिम छोर पर क्या इसकी स्पीड को क्या करती थी, पिस्टन की डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ विच फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग द डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड इन हाइड्रोलिक सिलेंडर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो हाइड्रोलिक सिलेंडर उसमें जो पिस्टन रॉड का हम चयन करते हैं, पिस्टन रॉड के डायमीटर का हम चयन करते हैं, सिलेक्टेड करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए या रखते हैं। तो इसमें करते हैं बोर डायमीटर का हम याद रखे, बोर डायमीटर मतलब जो पिस्टन का डायमीटर है, और लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब बोले जो पिस्टन हमारी मूव करेगी सिलेंडर के अंदर उसका ध्यान रखा जाता है, और लोड कितना लोड सहन कर सकती है उसका ध्यान रखा जाता है। ये तो तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तीनों बातों का हमें ध्यान रखा जाता है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने प्रैक्टिस करने के रूप से हमने आज लेकर आया था। यदि ये वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।